हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पार्टनर चैनल। मेरा नाम प्रवीण सिंह राजपुरोहित है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो कि एलडीई का एक पार्ट है, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सिंबॉलिक एक्सप्रेशन क्या होता है पीआई का, दैट पीआई मीन्स व्हाट, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पीआई इक्वल्स टू व्हाट, वाईपी, इसका एक नोटेशन है। वाईपी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन फाई डी इंटू एफ ऑफ एक्स। आपका फाई डी क्या रहेगा, एक आपका एक इक्वेशन रहेगा, और एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, आपका एक फंक्शन रहेगा। पीआई फाइंड करने के तीन मेथड है। फर्स्ट इज शॉर्टकट मेथड, सेकंड इज जनरल मेथड, एंड थर्ड इज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, दैट इज वीपी। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे पहला शॉर्टकट मेथड। उसमें टोटल 6 केसेस है। आज की वीडियो हम देखेंगे केस नंबर 1। सो केस नंबर 1 क्या रहेगा, आपका जो भी आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो क्या रहेगा, ई रेस टू ए एक्स, यानी जो भी आपका फंक्शन रहेगा वो ई की पावर में रहेगा। उसको हम लिखेंगे कैसे आगे, वाई पी इक्वल्स टू 1 अपॉन फाइव डी इंटू एफ ऑफ एक्स। आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन, फंक्शन क्या आपका, ई रेस टू एक्स, यानी क्या है, जहां भी आपको इक्वेशन में ई रेस टू एक्स मिलेगा वहां पे क्या होगा, आपका केस नंबर 1 अप्लाई होगा। सो वाई पी इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन फाइव डी, एफ ऑफ एक्स क्या आपका, ई रेस टू ए एक्स। सो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, ई रेस टू ए एक्स। जैसे ही आपको ये फंक्शन मिल जाएगा, आपको क्या करना है, पुट डी इक्वल्स टू ए। ए कहां से मिलेगा आपको, एक्स का जो कोफिशियंट है वो पुट करेंगे, तो डी इक्वल्स टू क्या मिला आपको, ए। इफ पुट करने के बाद अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो होता है तो क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके आगे उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। याद रखिएगा, इसमें कभी भी आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए। सो अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो होता है तो क्या करना आपको, इफ केस फेल, वाई पी को शो वॉट, एक्स से मल्टीप्लाई करना है, 1 अपॉन जो फाइव डी है उसको हमको डिफरेंशिएट करना है। ओके, एंड आपका ई रेस टू एक्स जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा। यहां पे मैं देखिए लिखा हुआ है फाइव डैश डी इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, सो हम क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, तो आपका जो कंसेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू ई रेस टू टू एक्स। ओके, सो आपका स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, टू फाइंड वाई सी। वाई सी क्या होता है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो ये आपको निकालना कैसे, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, सो फाइंड कैसे करना, वाई सी ए फाइव डी इक्वल टू जीरो। आपका ए क्या रहेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, जो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा। ओके, सो क्या मिला आपको, आपका फाइव डी क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, यानी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है लेफ्ट साइड में वो आपको क्या रहेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। उसको क्या करना, आपको इक्वल टू जीरो पुट करना है। देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल डी स्क्वायर वाई प्लस फाइव डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखूंगा मैं, फाइव डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखा मैंने, डी, और वाई आपका आ गया एज इट इज प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। देन इसमें से मैंने क्या किया, वाई कॉमन फाइंड किया। सो क्या मिल गया मुझे, ब्रैकेट में डी स्क्वायर प्लस फाइव डी प्लस सिक्स ब्रैकेट क्लोज वाई इक्वल्स टू जीरो। देन मैंने क्या किया, इसको फैक्टर फाइंड किया, फैक्टर निकालना आता है, क्या फैक्टर मिल गया, डी प्लस टू डी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। देन डी की वैल्यू क्या मिली मुझे, डी इक्वल्स टू माइनस टू डी इक्वल्स टू माइनस थ्री। देन वाई सी का इक्वेशन क्या मिल जाएगा मुझे, सी वन ई रेस टू माइनस टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस थ्री एक्स। ये कैसे फाइंड करना है, इसका लिंक अब मैंने डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, देन स्टेप नंबर 2 क्या आपका, टू फाइंड वाई पी पर्टिकुलर इंटीग्रल। कैसे फाइंड करना, फॉर्मूला क्या आपका, वाई पी इक्वल्स टू 1 अपॉन फाइव डी इंटू एफ ऑफ एक्स। सो वाई पी इक्वल्स टू आपका फाइव डी क्या है, दिस वन। ओके, ये वाला जो आपका वाई कॉमन निकला हुआ है वो वाला आपका पार्ट क्या हो जाएगा, फाइव डी। तो क्या आ गया यहाँ पे, डी स्क्वायर प्लस फाइव डी प्लस सिक्स। देन एफ ऑफ एक्स क्या आपका, जो क्वेश्चन में राइट साइड में गिवन है आपको वो मिल जाएगा आपको फंक्शन। सो फंक्शन क्या है, ई रेस टू टू एक्स। अब आपका फॉर्मूला क्या था, पुट क्या करना है, डी इक्वल्स टू ए। ए कहां से मिलेगा आपको, एक्स का कोफिशियंट से, तो एक्स का कोफिशियंट कितना है यहाँ पे, टू। तो पुट डी इक्वल्स टू टू मिल गया यहाँ पे। अब क्या करो, डी इक्वल्स टू इसमें पुट करो और चेक करो कि आंसर जीरो आता है या कुछ वैल्यू मिलती है हमें। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो हमको ऑब्वियसली यहाँ पे हमको जीरो नहीं मिलने वाला है। सो डी इक्वल्स टू मैंने टू पुट किया, तो डी कितना यहाँ पे, टू स्क्वायर हो गया, फाइव इंटू टू प्लस सिक्स। ओके, सो टू स्क्वायर हो गया फोर, फाइव इंटू टू हो गया टेन, एंड सिक्स एज इट इज। देन फोर प्लस टेन इज फोर्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी। तो क्या आंसर मिल गया, वाई पी इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 इंटू ई रेस टू टू एक्स। जो आपका फंक्शन है वो थ्रू आउट आपके क्वेश्चन में एज इट इज रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। ओके, देन एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको क्या करना है, जनरल सोल्यूशन वाई निकालना है। वाई कैसे निकलेगा आपका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कैसे मिलेगा, वाई सी प्लस वाई पी। तो आपको क्या मिलेगा, वाई इक्वल्स टू, जो वाई सी क्या मिला आपको, सी वन ई रेस टू माइनस टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस थ्री एक्स, या आ गया एज इट इज
प्लस वाई भी क्या मिला आपको 1/20 ई रेस टू 2x। आया समझ में? ये था एकदम बेसिक क्वेश्चन। हाँ, और एक क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर कि और अगर कोई आपको फंक्शन आया या कुछ और वैल्यूज मिली तो कैसे फाइंड करना है। सो सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4dy अपॉन डी एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू e रेस टू माइनस 3x। अब वहां पे आपका केस फेल नहीं हो रहा था, ओके? सो यहां पे हो सकता है कि आपका केस फेल हो, तो कैसे उसको आंसर फाइंड करना है। स्टेप नंबर वन इज व्हाट, टू फाइंड yc। ऑलवेज जब भी आपको yp निकालना पड़े उससे पहले आपको क्या करना है, हमेशा स्टेप नंबर वन के आपका आपको yc फाइंड करना इज कंपलसरी। सो कैसे निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी क्या, 5d, 5d कहां से मिलेगा आपको, क्वेश्चन में से, जो आपका लेफ्ट साइड पार्ट है उसको क्या करना है, इक्वल टू जीरो पुट करना है। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो गया, कैपिटल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी ए स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे स्मॉल आ जाएगा, ये आ गया मेरा स्मॉल, ठीक है। देन मैंने क्वेश्चन को एज इट इज लिखा, इक्वल टू उसको जीरो कर दिया। अब मेरा ये पार्ट क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई प्लस ये हो गया मेरा 4dy इक्वल टू 3y इक्वल टू जीरो। क्या मिला मुझे अभी, y कॉमन निकाला तो क्या मिला, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 ब्रैकेट y इक्वल टू जीरो। देन मैंने इसका फैक्टर निकाला तो मुझे क्या मिला, d इक्वल टू माइनस 1, d इक्वल टू माइनस 3। सो yc क्या मिल गया मुझे, c1 e रेस टू माइनस x प्लस c2 e रेस टू माइनस 3x, ये मिल गया मुझे yc। स्टेप नंबर टू क्या आपका, टू फाइंड yb। yb मतलब क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कैसे फाइंड करेंगे, yb का फॉर्मूला क्या है, yb इक्वल टू 1/5d इंटू f(x)। सो yp इक्वल टू 5d कहां से मिलेगा आपको, अपने आप निकाल देगा, जो y का जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो आपको हो जाएगा 5d। तो 5d क्या मिल गया मुझे, d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3। फंक्शन कहां से मिलेगा आपको, क्वेश्चन में से। तो क्वेश्चन में आपका राइट साइड में पार्ट क्या है, e रेस टू माइनस 3x, दैट इज आपका एक फंक्शन है वो। तो f(x) क्या मिल गया मुझे, e रेस टू माइनस 3x। देन अब मेरा ये मेरा फॉर्मेट बन गया ये वाला yp का। अब क्या करूंगा मैं, पुट d इक्वल्स टू a। a कहां से मिलेगा मुझे, x के कोफिशिएंट से। सो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 3। अब d इक्वल टू माइनस 3 मुझे क्या करना है, आपका जो d का वैल्यू उसमें मुझे पुट करना है। सो अब मुझे, मैं चेक करूंगा उससे कि मुझे आंसर जीरो मिलता है या कुछ वैल्यूज मिलती है। सो d इक्वल टू माइनस 3 पुट किया तो क्या हो गया, ये माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना, माइनस 3 प्लस 3, ये आ गया आपका फंक्शन एज इट इज। माइनस 3 स्क्वायर क्या हो गया, 9 प्लस 4 इंटू माइनस 3 क्या हो गया मेरा, माइनस 12 प्लस 3 एज इट इज, ई रेस टू माइनस 3x सेम एज इट इज। अगर अभी आप देखोगे 9 माइनस 12 इज वॉट, माइनस 3 एंड इज प्लस 3, सो आंसर इज 0। सो 1/0 क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मेरा क्या हो रहा है, केस फेल हो रहा है। सो इन द केस ऑफ फेलियर क्या करना है आपको, x से मल्टीप्लाई करना है एंड जो आपका 5d था उसको मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सो x से मल्टीप्लाई किया 1/, मेरा 5d क्या था, अगर आप 5d चेक करोगे तो क्या था, d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3। सो मुझे मेरा यहां पे डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये 2d प्लस 4 प्लस 3। 3 मेरा कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3 कांस्टेंट नंबर इज व्हाट, 0। एंड d आपका d क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x में, जो विद रिस्पेक्ट टू d में क्या हो जाएगा, 1। एंड d स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, 2d। तो क्या आ गया मुझे, 2d प्लस 4 e रेस टू माइनस 3x एज इट इज। देन अगेन क्या करना मुझे, पुट d इक्वल्स टू a, a इज व्हाट, माइनस 3। सो d इक्वल टू माइनस 3 पुट किया तो यहां पे देखो, यहां पे मेरा आंसर अब 0 नहीं हो रहा है। सो x इंटू 1/d का वैल्यू आ गया माइनस 3 प्लस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 4, क्या मिला आंसर मुझे, माइनस 6 प्लस 4, सो आंसर इज माइनस 2। सो yp कितना मिला मुझे, x इंटू e रेस टू माइनस 3x होल अपॉन माइनस 2, यह आ गया मेरा yp। अब क्या करूंगा मैं, जनरल सोल्यूशन फाइंड करूंगा। कैसे निकालेंगे, जनरल सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू yc प्लस yp। सो y इक्वल टू व्हाट, जो आपका yc का वैल्यू क्या मिला, c1 e रेस टू माइनस x प्लस c2 e रेस टू माइनस 3x, यह आ गया यहां पे। देन ये माइनस आ गया यहां पे, प्लस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। देन x e रेस टू माइनस 3x होल अपॉन 2। सो दिस इज द केस वन, जो यहां पे आपने देखा किस टाइप के, अगर जब केस फेल हुआ तो कैसे आंसर फाइंड करना है, एंड अगर पॉजिटिव है तो कैसे फाइंड करना, ओके? सो नेक्स्ट वीडियो में अपन केस 2 और केस 3 देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियो जो M3 के अपलोड होने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।